हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो लेटर टू एडिटर्स के रिगार्डिंग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा। सपोज करो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो चाइल्ड लेबर है इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है, तो उसके लिए आपको आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में और आपका मन बहुत ही ज्यादा पीड़ित होता है इस चीज से। तो आप क्या करते हैं, एक जो एडिटर है न्यूज़पेपर के उनको आप एक लेटर राइट करते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं या फिर गवर्नमेंट को क्या क्या सजेशंस देने चाहिए उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो हम लिखते हैं आज लेटर टू एडिटर में जो चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत के अंदर जो बाल मजदूरी है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद में हम लेटर राइट करेंगे। तो क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज पेपर उसके एडिटर को लेटर राइट करना है अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत के अंदर जो चाइल्ड लेबर है उसके बारे में। एंड सजेस्ट व्हाट द गवर्नमेंट should do about it. क्वेश्चन आपका ये है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, आपको किसको पत्र लिखना है, द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया को आपको लेटर लिखना है किसके बारे में। सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट रहेगा चाइल्ड लेबर इन इंडिया, सब्जेक्ट होगा आपका चाइल्ड लेबर इन इंडिया। एंड सजेस्ट और सुझाव देना है कि व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अबाउट इट, इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें क्वेश्चन में किसी का नेम नहीं दिया गया है, तो आप अपना नेम इसमें लिख सकते हैं नीचे। एड्रेस नहीं दिया गया है कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो आप अपना जो भी एड्रेस है वो राइट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, और अब हम लेटर राइट करते हैं, एडिटर को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले जो लेटर राइट कर रहा है यानी हमारा एड्रेस आएगा, और हमारा एड्रेस कोई सा भी, जैसे ए फिफ्टी टू आदर्श नगर, जयपुर। ठीक है, ए फिफ्टी टू आदर्श नगर जयपुर, और उसी के साथ में लिखेंगे हम डेट। डेट को इसी तरह लिख सकते हैं, जैसे 25 सितंबर 2020। ठीक है, 25 सितंबर 2020। उसके बाद में एक लाइन का गैप रखेंगे, थ्री लाइन में आपका ये एड्रेस हो गया, फिर एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर लिखेंगे हम एडिटर का एड्रेस, जैसे द एडिटर, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो गया, किसका,
जिस एडिटर को आप लेटर राइट कर रहे हैं। उसके बाद में हम एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे इसमें हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, भारत में बाल मजदूरी, चाइल्ड बाल लेबर मजदूरी। फिर एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर लिखेंगे सर कॉमा मोस्ट रेस्पेक्टफुली सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ थ्रू योर न्यूज़पेपर concerned authorities, concerned authorities। यहां तक ये लाइन आपकी, एक सपोज करो यहां ये जो लाइन है ये आपको एक तरह से लर्न कर लेनी है, आपको याद कर लेनी है। और कोई भी एडिटर को हम लेटर राइट करते हैं तो उसमें एड्रेस आप लिख सकते हैं, एडिटर का एड्रेस क्वेश्चन लिख देंगे आप, जैसे उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इसमें तो कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर है उसको लेटर राइट करना है, तो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर का यहाँ पर एड्रेस लिखना है। और यदि इसमें नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी का एड्रेस भी लिख सकते हैं, राष्ट्र पत्रिका का लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर का लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का लिख सकते हैं, किसी का भी आप एड्रेस लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो सब्जेक्ट आप उसमें लिख देंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसके बाद ये लाइन आपको लिखनी लिखनी है, कौन सी सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ थ्रू योर न्यूज़पेपर द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मींस कंसर्न्ड यानी संबंधित, अथॉरिटीज मींस अधिकारियों को। अब उसके बाद में लिखेंगे टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स ये जो आपका सब्जेक्ट है उसकी तरफ, टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर इन इंडिया, towards child labor in India, भारत के अंदर जो बाल मजदूरी है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। Even after 71 years, even after 71 years, 71 years of India's independence, इवन आफ्टर जहां तक कि 71 साल बाद में ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के, इट इज बॉम चिलिंग, इट इज बॉम चिलिंग, बॉम चिलिंग, बॉम चिलिंग का मतलब क्या होता है, हड्डियां तोड़ देने वाला, यह कैसा है, हड्डियां तोड़ देने वाला है। एंड बर्ड ब्लड गर्डलिंग, और हड्डियां तोड़ देने वाला और ब्लड कर्डलिंग, ब्लड कर्डलिंग यानी खून बहा देने वाला है। टू हैव अ लुक, टू हैव अ लुक एट द, टू हैव अ लुक एट द चिल्ड्रन बीइंग, children, children being captivated by the, captivated by the, captivated by the carry shadow,
of doing carry shadow of doing doing work carry shadow carries shadow of doing work and being forbidden यहां तक एक बार आप इसे समझेंगे सर मोस्ट रेस्पेक्ट कोली श्रीमान माननीय महोदय आई वांट टू ड्रॉ मैं आकर्षित करना चाहता हूं थ्रो योर न्यूज़पेपर थ्रो यानी माध्यम से किसके माध्यम से आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से द अटेंशन जो ध्यान है ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज यानी संबंधित अधिकारियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवर्ड्स की तरफ किसकी तरफ द चाइल्ड लेबर इन इंडिया भारत के अंदर बाल बाल मजदूरी की तरफ मैं जो संबंधित अधिकारी है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इवन आफ्टर 70 ईयर्स यहां तक कि आफ्टर यानी बाद में 71 ईयर्स 71 साल के बाद में भी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भारत की स्वतंत्रता के इट इज बॉन चिलिंग यानी बॉन का मतलब होता है हड्डिया यह हड्डिया तोड़ देने वाला है एंड ब्लड कर्डलिंग और खून बहा देने वाला है टू हैव अ लुक जब हम देखते हैं एट चिल्ड्रन बच्चे को बीइंग कैप्टिवेटेड का मतलब होता है एक तरह से बंदी बना लेना या जकड़ लेना एक तरह से जैसे बंदी बना लिया गया है बाय द कैरी शैडो का मतलब क्या होता है जो क्षय रोग होता है उसके द्वारा तो जब भी हम कभी ऐसे बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनको क्षय रोग के द्वारा बंदी बना लिया गया है जकड़ लिया गया है उनको क्षेत्रों को हो गया है ऑफ डूइंग वर्क किसी से कार्य करने से एंड बीइंग फॉरबिडन और जैसे उनको बुला दिया गया है टू अवेल यानी लाभ लेने के लिए स्कूल एजुकेशन जो स्कूल की जो शिक्षा है और वो उससे क्या हो गए हैं वंचित हो गए हैं तो ऐसे हम देख सकते हैं तो आप यहां तक ये नोट कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ठीक है उसके बाद देखिए ठीक है कि चाइल्ड लेबर इज बैंड इन इंडिया कि भारत के अंदर जो चाइल्ड लेबर है उसको क्या कर दिया गया है बैन है यानी वो प्रतिबंधित है तो चाइल्ड लेबर इज बैन उसके नीचे वाली लाइन से लिखना है ठीक है पैराग्राफ चेंज करें चाइल्ड लेबर लाइन का गैप नहीं देना है केवल पैराग्राफ चेंज करना है चाइल्ड लेबर इज बैंड इन इंडिया चाइल्ड लेबर इज बैंड इन इंडिया भारत के अंदर जो चाइल्ड लेबर है वो क्या है बैंड है प्रतिबंधित है बाय द गवर्नमेंट इसके द्वारा सरकार के द्वारा बाय द गवर्नमेंट बट लेकिन स्टिल अभी भी बट स्टिल वी कैन सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग चिल्ड्रन वर्किंग एट मैनी प्लेसेस एट मैनी प्लेसेस ठीक है ना चाइल्ड लेबर वो क्या है प्रतिबंधित है भारत में सरकार के द्वारा भारत में जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रतिबंधित किया गया है मना किया गया है बैन लगाया गया है उसके बट स्टिल लेकिन अभी भी वी कैन सी हम देख सकते हैं अलॉट ऑफ चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को वर्किंग काम करते हुए एट मैनी प्लेसेस कई जगहों पर दे आर कंपेयर्ड उनको क्या किया जाता है कंपेयर या फिर फोर्स्ड उनको बाध्य किया जाता है दे आर कंपेयर्ड
दे आर कंपेयर्ड टू को बात किया जाता है टू डू इवन डेंजरस टू डू करने के लिए टू डू इवन डेंजरस डेंजरस वर्क्स दे आर कंपेयर्ड कंपेयर लिख दो या फिर फॉर्स में एफ ओ आर सी डी यानी उनको बाध्य किया जाता है कंपेयर इक्वल टू फोर्स यानी कंपेयर का मतलब क्या है बाध्य करना फोर्स करना दे आर कंपेयर उनको बाध्य किया जाता है टू डू करने के लिए इवन यहां तक की डेंजरस वर्क कि उनको जो यहां तक की खतरनाक जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए भी क्या किया जाता है बाध्य किया जाता है देर शुड बी पब्लिक अवेयरनेस उनमें क्या पब्लिक के अंदर क्या होनी चाहिए इस चीज के बारे में अवेयरनेस यानी जागृति होनी चाहिए तो देर शुड बी पब्लिक अवेयरनेस देर शुड बी पब्लिक अवेयरनेस देर शुड बी पब्लिक अवेयरनेस कि पब्लिक के अंदर में लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस अवेयरनेस मीन उनमें जागृति होना चाहिए इन दिस मैटर इस मामले में इस मैटर में जो पब्लिक है आम जनता है उसमें अवेयरनेस यानी जागृति होनी चाहिए इसके अलावा गवर्नमेंट शुड डू समथिंग गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए इन दिस मैटर इस मामले में गवर्नमेंट को भी इस मामले में कुछ करना चाहिए उसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो गया फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू थैंकिंग यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद आप लिखेंगे एक लाइन का गैप रखते योवर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं या फिर योवर्स फैक्टफुली आप लिख सकते हैं या फिर योवर्स सिंसियरली आप लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन में नेम नहीं दिया गया था तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं जैसे सलोनी शर्मा या फिर राहुल शर्मा लड़की या लड़का जो भी है वो आप उसका नाम लिख सकता है राहुल शर्मा और ये इस प्रकार से आपका लैपटॉप टू एडिटर कंप्लीट होता है इसको यहां से एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं देखिए चाइल्ड लेबर है वो प्रतिबंधित है भारत के अंदर सरकार के द्वारा चाइल्ड लेबर है जो बाल मजदूरी है वो प्रतिबंधित है बट इसके लेकिन अभी भी वी कैन सी हम देख सकते हैं अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को वर्किंग काम करते हुए एट मैनी प्लेसेस बहुत सी जगह पर दे आर कंपेयर्ड उनको बाध्य किया जाता है टू डू करने के लिए इवन यहां तक कि डेंजरस वर्क जो खतरनाक कार्य होते हैं उनको करने के लिए भी उनको बाध्य किया जाता है देयर शुड बी पब्लिक अवेयरनेस इन दिस मैटर इस मामले में लोगों के अंदर जागृति होनी चाहिए गवर्नमेंट को भी करना चाहिए समथिंग कुछ इन दिस मैटर इस मामले में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद योवर्स ट्रूली राहुल शर्मा या फिर लड़की है तो कोई भी नाम जैसे सलोनी शर्मा तो ये हो गया आपका लेटर टू द एडिटर चाइल्ड लेबर इन इंडिया के रिगार्डिंग आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना नहीं भूले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे